स्वागत है जी तुहाडा रेडी जट यूट्यूब चैनल ते। ते अज आपां गल करांगे परसनैलिटी दी। असी अक्सर ही देखते हैं कि कई लोग देखण विच ज़्यादा सोहने नहीं हुंदे पर उन्हां दी परसनैलिटी बा कमाल हुंदी आ, अते कई लोग सोहने भी हुंदे आ पर कुछ खास नहीं लगते। इत्थे सारी गल परसनैलिटी दी आ ते अज आपां गल करदे आ परसनैलिटी डिवेलपमेंट किवें करनी आ। सो परसनैलिटी डिवेलपमेंट विच आपां पहला गल करांगे बॉडी लैंग्वेज दी, साढ़े तुरन बैठन खड़न के तरीके की। तुम अक्सर देखा होगा कि कई लोग शरीर के चंगे होंगे सोहने होंगे पर उन्होंने तुरन बैठन खड़न का तरीका सही नहीं होंगे। वो अगे वालू झुक के चलते या कट्ठे जे होके बैठ जाते जिस नाल वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगते। सो आपां इदा बिल्कुल नहीं करना। तुरन बैठन खड़न लगे इन्हां गल्लां का ध्यान रखना। तुरन लगे हल्का जिहा छाती नूं बाहर कढ के तुरो जिस नाल तुसीं अट्रैक्टिव लगो। हुण आपां गल करांगे ड्रैसिंग सेंस की। तुहाडे कपड़े लीड़े भी तुहाडी परसनैलिटी नूं इंपरूव करदे आ। सो तुसीं अपनी बॉडी के हिसाब नाल ही अपने कपड़ियां अते कपड़ियां दे रंगां की चोण करो। जेकर तुहाडा रंग सावला है तां तुसीं ज़्यादा गूढ़े अते भड़कीले रंग ना पाओ। ज़्यादा पतले बंदे नूं भी खुले कपड़े नहीं पाउणे चाहीदे, उन्हां विच उसकी कोई लुक नज़र नहीं आउंदी। सो कपड़े चाहे सस्ते भी होण पर वह तुहाडी परसनैलिटी नूं सूट करने चाहीदे आ। नंबर तीन ते आपां गल करांगे कम्यूनीकेशन स्किल की। तुहाडी बोलचाल तुहाडी परसनैलिटी नूं बहुत प्रभावित करती आ। गुड लुक्स नाल तुसीं किसी नूं एक बार अट्रैक्ट तां कर सकदे हो पर दूसरिआं दे दिल उत्ते असल प्रभाव तां तुहाडी गल्लबात ही पाउंदी आ। जे तुहानूं किसी टॉपिक की जानकारी नहीं तां तुसीं उस टॉपिक बारे घट ही बोलो। इस तों इलावा ज़्यादा बेतुकियां गल्लां ना करो। ये गल्लां तुहानूं दूजे इंसान की नज़र विच आम जा बना दिंदियां ने। गल करदे समय सदा ध्यान रखो सामने वाला व्यक्ति किस टॉपिक ते ज़्यादा इंट्रस्ट दिखा रहा, उस नाल उसी टॉपिक ते गलबात करके तुसीं उस व्यक्ति उत्ते अपना प्रभाव छड्ड सकदे हो। हुण गल आउंदी है जी कॉन्फिडेंस की। तुहाडी परसनैलिटी तुहाडे कॉन्फिडेंस ते खड़ी आ। घट कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति नूं अक्सर लोग नज़रअंदाज करन लग जांदे आ। इसलिए तुहाडी बोलचाल विच तुहाडे चेहरे उत्ते कॉन्फिडेंस होना चाहीदा। पर कॉन्फिडेंस व्यक्ति विच उदों ही आउंदा जदों उह किसे विशे नूं लैके बिल्कुल क्लीयर होवे। सो अपनी जिंदगी दीआं छोटीआं छोटीआं प्रॉब्लम्स सॉल्व करदे रह करो जिस नाल तुहाडे विच आत्म विश्वास बनिया रहिंदा। कोई छोटी जी प्रॉब्लम भी जिहनूं तुसीं सॉल्व नहीं कर सकदे तुहाडे कॉन्फिडेंस नूं जीरो कर सकदी आ। इसलिए कहिंदे आ भी प्रॉब्लम नूं सॉल्व करदे रह करो। इसलिए चाहे तुहानूं किसे व्यक्ति की मदद लैनी पै जावे, कदे भी अपने आप नूं परफेक्ट ना समझो जिस नाल कई बार हार जाण ते तुहाडा कॉन्फिडेंस बुरी तरह टुट जाता। हमेशा सिखदे रहण दा कॉन्फिडेंस बना के रखो। कॉन्फिडेंस तो बाद आउंदा जी टैलेंट। टैलेंट ही एक अजिही चीज़ है जो किसी व्यक्ति के दिल ते डूंघा प्रभाव पाउंदा। सो साडे विच टैलेंट होना बहुत जरूरी आ। तुहाडा टैलेंट तुहाडियां बाकी कमियां नूं भी लुको दिंदा। इसलिए अपने आप विचों टैलेंट लभो अते उस नूं इंप्रूव करते रहो। तुसीं किसी भी खेत्र विच अपनी मेहनत नाल अते पेशेंस नाल टैलेंट नूं पैदा कर सकदे हो। सो जरूरी नहीं कि तुहाडे विच जन्म तो ही टैलेंट होना चाहीदा, तुसीं इस नूं पैदा कर सकदे हो अते अपनी परसनैलिटी नूं चार चंद लगा सकदे हो। नंबर छे ते गल करांगे जी कंपैरिजन दी। सो कदे भी अपने आप नूं दूजे नाल कंपेयर ना करो। तुसीं जो भी हो जिवें भी हो ठीक हो, तुहाडे वर्गा कोई नहीं बन सकता अते ना ही तुसीं किसी वर्गे बन सको। कई बार साडे विच कोई कुदरती कमी हुंदी आ जिवें हाइट दा घट होना, ज़्यादा सोहणे ना होना जां कोई भी कुदरती कमी। तुसीं उस दे आधार ते खुद नूं दूजे नाल कंपेयर ना करो क्योंकि अजिहियां कमियां कदे भी पूरियां नहीं कीतियां जा सकदियां। सो इन्हां बारे सोचना ही बंद करो। इत्थे तुहानूं एग्जाम्पल दिंदे हां पंजाबी फिल्म एक्टर स्टोरी राइटर अते डायरैक्टर राणा रणवीर जी बारे। राणा रणवीर दी भी हाइट घट आ पर जे उह यही सोचते रहिंदे कि मेरी हाइट घट आ अते अपने आप दा कंपैरिजन होर लोकां नाल करदे रहिंदे तां शायद अज आपां उहनां नूं ना जाणदे हुंदे। पर उन्होंने इस कुदरती कमी नूं समझ के अपने टैलेंट नूं पछाणिया जिस नाल अज उन्हां दी चंगी परसनैलिटी आ, पैसा अते चंगा परिवार आ। सो अपनी कुदरती कमियां दे आधार ते अपने आप नूं किसे नाल कंपेयर ना करो ते अगे वधदे रहो। हुण एक बार आपां तुहानूं दोबारा मोटे मोटे पॉइंट याद करवा दईए ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੋ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ। ਟੈਲੈਂਟ ਹੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਵੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰੈਡੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੋ।